और बड़ी खबर इस वक्त की चतरा से, जहां पुलिस ने इंटरस्टेट ड्रग पैडलरों पर शिकंजा कसा है। करीब एक क्विंटल डोडा चूर्ण के साथ गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से कार भी मिली है। बताया जा रहा है कि ड्रग की तस्करी पंजाब की जा रही थी। गिरफ्तार संजू भी मोहाली के मुबारकपुर का रहने वाला है, जिससे पूछताछ जारी है। और देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है चतरा से, जहां इंटरस्टेट ड्रग पैडलर्स गिरफ्तार हुए हैं और ड्रग पैडलरों पर पुलिस का शिकंजा हमें देखने को मिला है। एक क्विंटल डोडा के खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही है चतरा से, जहां कहा जा रहा है कि इन ड्रग्स को पंजाब के लिए सप्लाई करना था और इसके पहले पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक क्विंटल डोडा चूर्ण भी बरामद किया है और साथ ही तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। तो ये चतरा की एक सौ तस्वीरें सामने आई है, जहां इंटर स्टेट ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया गया है और लगातार पुलिस इस दिशा में छापेमारी कर रही है और कार्रवाई पुलिस की जारी है। और इस बीच वापस से चतरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां ड्रग पैडलर्स का पुलिस ने गिरफ्तार किया है उन्हें और एक क्विंटल डोडा के खेप के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। सना पढ़ाई कर दी गई और सना दर्ज कर इसके सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु छापामारी दल का टीम गठन किया गया और इसके नेतृत्व में छापामारी दल गठन करके जोरी प्रतापपुर पक्की रोड पर वाहन चेकिंग किया गया। वाहन चेकिंग के दरमियान में एक मारुति कार जिसका नंबर HR04E7732 को वाहन का चेकिंग किया गया। चेकिंग के दरमियान में वाहन से 98 किलो 600 ग्राम अफीम का चूर्ण बरामद किया गया। अफीम का चूर्ण के संदर्भ में चालक को पूछा गया तो उसने अपना बताया कि संजय यादव उर्फ लुहा, पिता बंधु यादव, साकिम बाड़ी साड़म एवं सिंदर व सिंदवारी थाना सदर से दिया है। और आगे बताया कि इस बराबर भी हम लोग इसका तस्करी करते हैं और अन्य जगह पर ले जाते हैं। छापमारी दल के अलावे जब्त सामानों का विवरण, अफीम का डोडा चूर्ण। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ चतरा से संवाददाता संजय फोन लाइन पर बने हुए हैं। संजय, चतरा में ड्रग पैडलर्स पर पुलिस का शिकंजा हमें देखने को मिला है। सुमिता, मैं बता दूं कि चतरा पुलिस, जो चतरा SP थे राकेश रंजन, उनको गुप्त सूचना मिला था कि हरियाणा का गाड़ी जो है चतरा में घूम रही है, स्विफ्ट डिजायर, उसको लेकर के जो है चतरा SP द्वारा तुरंत ये सूचना जो है वहां का DSP जो है मुख्यालय केदारनाथ राम को दिया गया। केदारनाथ राम ने एक टीम गठित किया और गठित टीम जो है उसमें थाना प्रभारी जो वशिष्ठ नगर थाना प्रभारी गुलाम सरोवर, उसके अलावा इंस्पेक्टर प्रमोद पांडे और उसके अलावा सशस्त्र बल के जवान थे और उन्होंने वाहन चेकिंग लगाया। वाहन चेकिंग लगाने के बाद सरदम पुल के पास जो हरियाणा नंबर का गाड़ी जिस पर संदेश जाहिर किए थे चतरा SP, उनको रोका गया। रोकने के बाद जो है उनमें उस पर जो था दो प्लास्टिक का बोरे थे और उसके अलावा दो बैग थे। दोनों बैग को जब जांच किया गया तो जांच में जो है डोडा का जो चूर्ण होता है उसको वो बरामद किया गया है। उसके अलावा जो है ये जो तस्कर है, ये तस्कर पंजाब का मोहाली के रहने वाले हैं और वो यहाँ पर ही मैंने पहली बार नहीं बल्कि इसके पहले भी कई बार यहाँ से ये जो सामान था उसको खरीद करके ले गए थे और उसी दौरान चतरा भी आए हुए थे और सरदम के पास जो है ये खरीद बिक्री का कारोबार कर रहे थे। उसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके आज थाने लाए और थाने में जानकारी हासिल किए हैं कि ये किससे खरीदे थे और कहां इसको लेके जाना था। उन्होंने बताया कि एक संजय नाम का कोई व्यक्ति है, उसी के द्वारा ये चीज खरीदा गया था और वो जो रहने वाले
सदर प्रखंड के रहने वाले हैं और उन्हें उनके नाम पर भी। तो कुल मिलाकर संजय कहा जा सकता है कि तस्कर को गिरफ्तार कर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।